हर रोज खींच कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। एक ऐसे ही दो हौसले वाले अदन श्री राम नाईक जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच पर आए, आपका सम्मान करने के लिए लोग बेताब है, तो आपसे गुजारिश है कि आप कृपया मंच पर आए। मुंबई और विनय दुबे जी का सम्मान जिसने राजनीति में ऊंचाइयां दी है, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल रहे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो लोकप्रिय सांसद रहे हैं, न जाने कितने रूपों में जो लोगों के दिलों में लगातार बसे हुए हैं, हम सबके बीच में आगमन हुआ है, उसको संसार दिए रहे। मुंबई पूर्व पत्रकार संस्था के अधिकारी है और हम सबके तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदरणीय श्री राम नाईक जी का सम्मान अभिनंदन, उनको ढेर सारी बधाई है। जी इधर देखो, एक मिनट, वन मोर, एक और, हाँ आता हूँ, नायक साहब, राम साहब, अरे श्री राम भाई जी का मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था के अध्यक्ष श्री गोविंद जी ठाकुर, अन्य पदाधिकारी और खुले सभागार में बैठे हुए सभी मान्यवर भाई और बहनों, जब मुझे आने के लिए भाई बुलाया गया था तो मैंने उनको पूछा था कि भाषण वगैरह तो कुछ करना नहीं है ना, उन्होंने कहा नहीं करना है। और दो पुलिस अधिकारी, दो नहीं तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने कोई इस प्रकार से झूठा बोलेगा तो क्या सजा हो सकती है मुझे मालूम नहीं। ज्यादा से ज्यादा सजा ये होगी कि अच्छी कविताएं जोरदार ढंग से सब सुनते रहे। और ये मौसम ऐसा है, कई सालों के बाद इतने दिन ठंडी रही है, नहीं तो मुंबई में ठंडी आती है राह देखते हैं और कब चली जाती है उसका पता ही नहीं रहता है, लेकिन इस समय पर यह ठंडी बहुत ज़्यादा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जब ठंडी होती है तो लगता है कि कहने के लिए कब तक जाना है। ये भी कार्यक्रम का जब भाग होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबको मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ और शुभेच्छा देते समय यह बात भी आती है कि अपने सांसद, लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने 8 बजे आना चाहिए, तो मैं तो यहाँ के सांसद की जो बात है कभी तोड़ नहीं सकता हूँ, मेरी गाड़ी तो बराबर आई, ट्रैफिक में किसी ने मुझे रोका नहीं है, लेकिन सांसद जी और दूसरे कार्यक्रम में गए थे, मुझे तो एक ही कार्यक्रम आज का था, इसलिए मैं बराबर समय पर आ गया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, इस मैदान पर जब आते हैं तो एक ऊर्जा लेकर जो भी आता है वह ऊर्जा लेकर जाता है, और ये केवल शरीर की ऊर्जा नहीं होती है, मुंह के लिए भी और कोई विशेष बातें लेकर जाते हैं। मैं आप सबको ये लिट्टी चोखा के कार्यक्रम के तहत फिर एक बार अभिनंदन करता हूं, और बाकी के लोग जो बोलेंगे वो सुनने के लिए मैं भी बड़ा उत्सुक हूं। फिर भी आपको, अभी नया साल शुरू हुआ है, केवल 28 दिन में हो गए हैं, तो ये वर्ष जो है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से बीत जाए, ऐसी शुभेच्छा देता हूँ। और जब कभी गोपाल जी दूसरे कार्यक्रम में यहाँ बुलाएंगे तो कार्यक्रम दूसरा कब है अभी? नहीं, वो मुझे डायरी में लिखना पड़ता है ना, क्योंकि उनकी बात मैं तोड़ नहीं सकता हूँ कभी। अरे राम, तो तब तक मुझे रुकना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, फिर एक बार आप सबको धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। यहाँ से जाने के लिए कभी भी तैयारी है, लेकिन प्रसिद्धि पाने के लिए एक मुझे याद आया, इसलिए वहाँ जाने के बाद
मुझे लगा कि मैंने कुछ कहना चाहिए। हम सब लोग राजनीति में जो होते हैं वही केवल प्रसिद्धि के लिए लालच होते हैं, उनको ऐसा नहीं है। हर आदमी चाहता है कि अपना नाम हो जाए और उसमें कोई गलत भी बात नहीं है। तो एन प्रकारेण प्रसिद्धि कैसी हो सकती है, उसके लिए एक संस्कृत श्लोक है। वो संस्कृत श्लोक मैं बताता हूँ। और ये संस्कृत श्लोक ये कहता है, घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात। घट मतलब बर्तन, बर्तन तोड़ दो। घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात, पटम मतलब कपड़ा, तो कपड़ा फाड़ दो। और फिर बोलते हैं कि गधे पर सवार हो जाए, कुर्यात रास बरोहर, गधे पर सवार हो जाए और ये न के न प्रकार न प्रसिद्ध पुरुषम भवे। तो मुझे लगा कि मालूम हो जाए आपको, और उस प्रकार से अच्छा काम करके सुप्रसिद्ध पाना अच्छा है। घट मत तोड़ो, पट मत फाड़ो, काम अच्छे ढंग से करते रहो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।